किसी भी समाज का विधायक अपने समाज के मुश्किल हालातों पर साथ देने की बजाय उस वक्त जब वो समाज जकड़ के उन मुश्किल हालातों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, तब कोई जनप्रतिनिधि उस प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, उस जनसैलाब की भावना को मोड़ने की कोशिश करे, तब उस समाज के लोगों के मन में उस जनप्रतिनिधि की भावना के प्रति सवाल उठने लाजमी होते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। इन दिनों बहुत जोर से चर्चा में है जैन समाज पर अनोप मंडल का जो हिंसक शब्दावली का प्रहार है, और उस प्रहार का जवाब देने के लिए जैन समाज आक्रोश के साथ जिस रूप में खड़ा हो रहा है, और उसके साथ सनातन संस्कृति के अन्य समाज 36 कौम भी जुड़ रहे हैं, तब इसी जैन समाज का कोई जनप्रतिनिधि यह कह दे कि अब आप व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में अनोप मंडल की चर्चा करना बंद कर दीजिए, इससे अनोप मंडल को प्रसिद्धि मिल रही है। उनकी इस अपील पर जैन समाज के संत और जैन समाज के उन कार्यकर्ताओं में रोष आ जाए और वो ये सवाल करने लग जाए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने समाज की इस समस्या के लिए क्या किया, आपने कितनी FIR दर्ज करवाई, आपने एक विधायक होने के नाते राज्य सरकार प्रशासन के साथ ऐसा कौन सा काम किया कि उनकी विवादित पुस्तकों को जब्त करवाया, या जैन समाज के साधु संतों पर जो प्रहार हो रहे हैं उस पर आपने जाकर के कोई त्वरित कार्रवाई करवाई। अगर नहीं तो फिर समाज की इस तरह की मुश्किल घड़ी में साथ देने के बजाय आंदोलन की धार को कुंद करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया है? ये सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगल प्रभात लोढ़ा जी पर, जो कि स्वर्गीय कुमारमल जी लोढ़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी में और राजनीति में काफी कद्दावर नाम माना जाता है, उनके सुपुत्र हैं। और जैन समाज अब उनसे सवाल पूछ रहा है कि अगर आप इस आंदोलन में धार नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन इस आंदोलन की धार को कुंद करने का प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि वोटों की राजनीति शायद समाज के प्रतिनिधि को भी ये करने के लिए कहीं मजबूर कर रही है। और अफसोस की बात यह है कि समाज की तरफ से निकला जनप्रतिनिधि उसे अपनी विधायकी, उसे अपनी सांसदी वो बचानी होती है, उसे अपनी समाज की समस्याओं से निजात दिलाने की भावना नहीं होती। लोग कह रहे हैं, कह ही नहीं रहे, इस अपील पर कोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर मेरे पास कुछ संदेश आए, जिसमें एक तो आध्यात्मिक रूप से मुक्ति सागर सुरसुरे जी महाराज, पूरा नाम भूल रहा हूं, और एक जोधपुर के कार्यकर्ता श्रीमान कल्पेश सिंह भी जी के बोलते सवाल, और बोलते ही नहीं भावनाओं को खोलते सवाल।
सवाल यह उठता है कि अगर आप अपनी समस्या को उठाते हैं, समाज जगता है, देश के सामने वो समस्या जाती है और आप ये कहते हैं कि अनूप मंडल को आप प्रसिद्ध कर रहे हैं, आप उसका प्रचार कर रहे हैं, तो अनूप मंडल को आप छोटा क्यों समझते हैं? पहला सवाल तो आपसे यह बनता है, 100 साल से ज्यादा एक संगठन, एक मंडल इस तरह से अपनी कार्रवाई निरंतर रखे हुए है और इस समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, बहुत सारे उन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, चाहे पाली हो, चाहे सिरोही हो, चाहे आसपास के और जिले हो जहां अनूप मंडल का प्रभाव है, फिर भी यथेष्ट कार्रवाई नहीं होती। जैन समाज की परंपराओं और मान्यताओं के साथ खिलवाड़ बंद नहीं होता, तब सवाल का, समाज का सवाल फिर बेमानी नहीं लगता। आवश्यकता इस बात की थी कि समाज के जनप्रतिनिधि, जिनके पास कहीं ना कहीं प्रशासनिक तालमेल भी रहता है, सरकारी हस्तक्षेप की एक शक्ति भी रहती है, उन्हें स्पॉट पर पहुंचना चाहिए था, उन्हें अपने समाज के लोगों से यह कहना चाहिए था कि अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर इनका प्रभाव है, और वहां पर वो जाकर के उस पक्ष से बातचीत करते। अगर वो पक्ष मान जाता, आश्वासन दे देता प्रेस मीडिया में आकर के, तो फिर आपकी वाहवाही भी होती कि आपने वाकई में एक काम किया है, और अगर वो वैचारिक विमर्श से नहीं मानता तो एक जनप्रतिनिधि होने का दायित्व वैसे भी निभाते, वैधानिक कार्रवाई करते। तभी हमारे जोधपुर के कल्पेश सिंघवी साहब ने पूछा है कि आपने कितनी FIR दर्ज करवाई। अफसोस होता है कि एक आंदोलन को, एक जनभावना को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने की बजाय उसे बीच में मारने की कोशिश होती है। यह जनभावना, यह चेतना जो समाज ही नहीं बल्कि समाजों में जागृत हुई है, उस चेतना को कमजोर करने की कोशिश होती है। तब समाज कहता है अगर आप साथ नहीं दे सकते तो मत दीजिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है सबसे ज्यादा वोट। पर जो काम कर रहे हैं कम से कम उन्हें तो करने दीजिए। जब कोई जनप्रतिनिधि अपने समाज के साथ सियासत की शतरंज में गोटियां चलता है, तो फिर वो जनप्रतिनिधि समाज को अपने परिवार का होने के बाद भी अखरता है, और जिस तरह का संतोष श्रीमान लोढ़ा जी के लिए आ रहा है, वाकई में वो ये बता रहा है कि जनता इस तरह का हस्तक्षेप सहन नहीं करती। जनता को जनप्रतिनिधि नेतृत्व वो चाहिए जो उसकी समस्याओं को समाधान के अंजाम तक पहुंचा दे। कोई समस्या के समाधान का प्रयास कर रहा है, अपनी बात को उठा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, चेतना जग रही है, लोगों का स्वाभिमान हुंकार कर रहा है, वहां पर आकर के आप उस मशाल को बुझाने का प्रयास करें, लोग ये सहन नहीं करते। सोशल मीडिया में जो दो मैसेज हैं, उन मैसेज को पढ़ने के बाद समाज की भावनाओं को मुझे समाज के पटल पर रखना पड़ा है, यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात से अगर उन मान्यवर जनप्रतिनिधि
कि मन को तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहे अपने दायित्व को भूल सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार, लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का सिपाही, वो अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।